हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं डिगाला जोन में। यू कैन सी द गेट, बट यहाँ थोड़ी पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, 45 दिन पहले से बुकिंग करानी पड़ती है यहाँ पर। तो अभी कैंटर भी निकल चुकी है, उसमें भी हमें कैंटर नहीं मिली। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अंदर जा पाएँ, जाएंगे अदर जोन में हम जा सकते हैं, बट इसमें नहीं जा सकते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइम आएंगे। सो चलेंगे अंदर, पैदल चलते हैं, बलेनो ले लेते हैं अपनी, इसी से निकल जाते हैं। शिवानी तैयार हो चुकी है पूरी, मैं लगा के गाड़ी वाले, बट यहाँ इसको नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहा है कोई भी, पहले से ही बुक करना पड़ता है। One eternity later. तो गाइज, हमने कर लिया है फाटो के लिए बुकिंग, यहाँ ऑफिस है जंगल सफारी के लिए। ये क्या, तो अभी हम अपनी गाड़ी उठाते हैं यहाँ से और पार्किंग में लगाते हैं, फिर इस वाली गाड़ी से चलेंगे। तो गाइज, जंगल सफारी के लिए अंकल कराएंगे और ये इनकी गाड़ी, तो चलते हैं। तो आप कौन से गेट पे ले जाने वाले हो आप हमें? फाटो। फाटो कमाल, और अच्छी सफारी करवा रहा हूँ अंकल। जी जी जी, ठीक है। और ये हमारे फ्रेंड्स से न्यू फ्रेंड्स बने हैं फ्रॉम दिल्ली ओनली, सो हम इनके साथ घूमने वाले हैं। सो आर यू रेडी? और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है भाई। भाई क्या खतरनाक गाड़ी है, आउटस्टैंडिंग। कोई नहीं है भाई, ट्रेनिंग हो जाने दो। भैया टाइगर दिखाना पड़ेगा आपको, दिख जाएगा टाइगर, दिख जाएगा ना, ठीक है। काफी लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। अंकल आए करते हुए काफी जोश में, 40 की उम्र में भी ऐसा ही जोश होना चाहिए दोस्तों। दिस इज द गोल्ड, इंडियन गोल्ड, यही है ना। कौन सा गाना है वो? मेरे देश की धरती गोल्ड ही है भाई, यहीं से तो हम अनाज खा रहे हैं, ये नहीं होगा तो कैसे खाएंगे फिर। दिस इज इंडियन गोल्ड, अभी कटेगा, कुछ जगह कट चुका है बट अभी यहाँ नहीं कटा है। ये हमारा इंडिया का गोल्ड है, किसान भाई है हमारे, उन्हीं की वजह से हमें अनाज मिल रहा है, यहाँ कट चुका है। तो शिवानी ने ले ली अपनी जंगल के लिए कैप, इसको लग रही थी धूप, ये अगर उड़ गई ना तो सब हो जाएगा काम, ठीक है मैंने कर दिया। रबड़ लगा दो, अभी तो ज्यादा धूप हो रखी है, देखते हैं। अरे यहाँ ही तो छाव है, वैसे तो धूप है जंगल में। तो मैं हूँ यहाँ टाइगर की तलाश में, क्या पता टाइगर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। आगे जंगल का गेट आएगा, बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा जंगल स्टार्ट हो गया है, अब बस यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाए जानवर, फिर हम उनसे दोस्ती करेंगे, शिवानी की भी दोस्ती कराएंगे और चीता को यहीं बिठाएंगे अपनी गाड़ी में, पीछे उसे दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली
वहाँ है नहीं है ना एक भी, पता है वहाँ यहाँ से दौड़ दौड़ के वहाँ गाजियाबाद में पहुँच जाते हैं। सच में अभी लास्ट टाइम आपने देखा था, कोर्ट में आया था, दो तीन लोगों को घायल कर दिया था। तो उसी चीते से लड़ने के लिए हम यहाँ से दो चार चीते ले जाएंगे दोस्तों। छह लोगों किया था ना, तो हम कितने लोग हैं? पांच लोग हैं, हम पांच लोग हैं और एक चीता। तो देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है, आज आईपीएल का मैच होने वाला है। काफी मोटे मोटे पेड़ हैं यार यहाँ पर, ऐसा लग रहा है 500 साल पुराने पेड़ हो, देख सकते हो आप। इनके एज का कोई नंबर नहीं है भाई? नहीं नंबर है ना, कार्बन डेटिंग निकलवा लूंगा इनकी। और हमारे पास दो जज भी बैठे हुए हैं। ये भी दिल्ली से ही है। काफी सुंदर है लेकिन यहाँ शाम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। मन कर रहा है यहाँ बाइक से आता, शिवानी को अकेला लेके। देख रहे हो दोस्तों कितनी डरपोक है, डरती है ये लड़की। डर इसलिए लगता है कि माल डर के आगे जीता है। नहीं नहीं, अगर हमारी गाड़ी खराब होगी भाई यहाँ कोई है नहीं। ब्यूटी ऑफ अवर जंगल्स। यहाँ से लेंगे हम परमिट, यहाँ लग चुकी है लाइन लंबी वाली, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। मैंने लगा लिया कैप क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। स्टार्ट होता है ना एंट्री, ये गेट है, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। तो ये गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, मेन गेट है ये फाटो का। होप करते हैं कि आज टाइगर मिले, और अच्छा होगा कि टाइगर के साथ शेर भी मिल जाए। शेर चाहिए आपको? ओके। तो गाइज यहाँ हो चुकी है काफी भीड़, लाइन काफी लंबी लगती जा रही है, और कुछ लोग पिक्चरग्राफी चल रही है इनकी। शाहरुख खान DDLG के, इसको बस पिक्स क्लिक करानी होती हैं। क्या गाड़ी चला के लेके मैं ये चला जाऊं तुम लोगों को घुमाने? पहले गेट खुल चुका है, अब हम अंदर जा रहे हैं जंगल में। तो गेट खुल चुका है, वी आर हेडिंग इनटू द जंगल फाइनली। काफी वेट करने के बाद यहाँ परमिट कट गया हमारा, काफी देर लग गई हमें, आधा घंटा लग गया था यहाँ पर। ये हमारे साथ भाई बैठ चुके हैं, इधर से लूंगा। हाँ भैया। हाँ सर। यार आप तो खतरनाक लग रहे हो बिल्कुल यार, बंदूक है आपके पास टाइगर को मारने के लिए? सर टाइगर सात लोगों को मार सकता है, हम नहीं मार सकते। अच्छा, मैं तो चक्कू लेके आई हूँ। मैम गाड़ी रुकना ही मैं मैम आपके पास सच में है? तो दिखवाओगे आज टाइगर? सर हमारे हाथ में ब्लॉग बनाते हैं हम लोग। सर पता है मुझे ब्लॉग बनाते हो सर, हमारे हम भी घूमते रहते हैं सर, एनिमल कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता सर। अगर एनिमल मूवमेंट करेगा तो तभी कुछ ब्लॉग बन पाएगा, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो फिर मुश्किल है सर। अच्छा थोड़ा अंदर तो गाइस देखते हैं हमें टाइगर मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ तो मिले, टाइगर का बच्चा मिल गया उससे भी काम चला लेंगे हम। धीरे-धीरे एक-एक करके बोल रही हूं, हम नेचुरल हैबिटेट में है, एनिमल हमारे वॉइस से बहुत डिस्टर्ब होता है। ओ माय गॉड, ओके। अच्छा आपकी वॉइस से यार, आपकी नहीं हमारी, किसी वुमेन्स की वॉइस से? वुमेन्स अभी पहुंच जाएगी किस गाड़ी से इधर? ये क्या मतलब होता है? देखो भैया बोल रहे हैं कि इन दोनों लोगों की वॉइस से टाइगर यहां पर आ सकता है, तो थोड़ा चिल्ला दो एक बार जो इधर आ जाए डिस्टर्ब हो गया टाइगर। सर फाटो जोन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आपको गाइड हूँ। कुछ सिंपल से रूल आपको फॉलो करने हैं जी, कोई भी गार्बेज है गाड़ी से नीचे ना फेंके, बिल्कुल कोई एनिमल दिख जाए तो साउट नहीं करना है सर। और सर कोई भी कंडीशन हो जब तक हम ना के गाड़ी से नीचे ना उतरे। और सर सबसे मेन बात ये है ना सर, आपकी जंगल सफारी है जो दिख गया वो आपका बोनस है सर, ठीक है? सही बात है। और क्या? और सर बिल्कुल साउट को जितना हो सके उतना कम करिए। तो भैया ने बता दिया है, गाइडलाइंस अपनी दे दी है हमें, अपने पास हमने अपने जंगल को गंदा नहीं करना चाहिए। तो हमने तो भाई अपना पॉलिथीन में देख सकते हो आप,
जो खाया इसी में डाल दिया बाहर, ये गया गार्बेज बैग। हमारे डिपार्टमेंट द्वारा सर आपको गिफ्ट है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा गिफ्ट है, आइए तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हो ही नहीं सकता स्लॉट बियर पियर, ये रहा भैया, ये रहा, ये रहा, आपने देखा नहीं डॉक्टर। देखो भाई ये हमारे पास है एक स्लॉट बियर। मैम स्लॉट बियर ना पियर नॉकटर्नल होता है। तो भाई को फिर जंगल में छोड़ के जाना है या वापस नोएडा लेके जाना है? नहीं नहीं मैं जंगल में रह जाता हूं। तो जंगल गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जंगल। तो गाइस बहुत सुंदर है यार, काफी शांति है। दिल्ली वैली में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शोर शराबा रहता ही है, जिस किसी को भी शांति चाहिए ना जिम कॉर्बेट आ जाओ आराम से बस। इसमें कौन रहते हैं? इसमें इसमें ये जो बने हुए हैं भोकले से वॉश टावर, दीमक क्या चीज़ ये ना सर? अच्छा, तो भैया आपका कभी हुआ है मतलब टाइगर से आमना सामना? देखते रहते, कभी ऐसा हुआ है कि वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो और आपको बच के निकलना पड़ा हो? तो गाइस डियर हमें दिख गया है, देखो वो पीछे पीछे पीछे, गाइस वो बैठा हुआ है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा बट वो मुझे दिख रहा है यहाँ से, टाइगर का फेवरेट फूड है शायद। शायद आपको भी दिख रहा होगा यहाँ से, उसके अपने कान हिला रहा है बार बार, सांबर डियर टाइगर का फेवरेट फूड। अभी हम टाइगर भी हमें बहुत स्लो बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो भैया ने मना किया अभी इन्होंने गाइड कि थोड़ा स्लो बोलो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइगर दिखा पाऊँ। तो गाइज हमें दोबारा से डियर देखने को मिला, ये भी देखो हो गया ना नेचर में ना, जो मतलब मेल होगा ना बर्ड हो ये जा रहा है या एनिमल हो मेल, बहुत स्लो बात करनी होगी यहाँ पर, अट्रैक्टिव होगा फिर डल और कैमोफ्लेज में। हां एग्जैक्टली, डियर तो वैसे सुंदर होगा। चलो काफी सही था, तो यू एंजॉयड? गाइस आधा घंटा हो चुका है हमें सर्च करते हुए, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि टाइगर स्पॉट होगा कहीं है, क्योंकि टाइगर इज वेरी लेजी, वो सोता है तो सोता रहता है बस, एक बार शिकार मिल जाए उसे अपना। अभी हम वाटर बॉडी की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता बनाया हुआ है। गाइस हम पूरा जंगल घूमेंगे अभी, भैया लेके जा रहे हैं इधर वाटर बॉडी के पास, टाइगर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी डियर वियर तो दिख ही रहे हैं। खैर डियर दो बार दिख चुके हैं हम। कुछ मिला भाइयों आपको? नहीं मिला? किसी को कुछ नहीं मिला भाई देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोर करते रहो, इट्स लक बाई चांस। डूब पड़ रही है आदमी, जब आदमी भी अपने घर में ही रहता है धूप में तो जानवर भी अपने गुफा में कहीं ना कहीं चिपका होगा, हम गलत टाइम पे आगे लग रहा है। तो गाइस वहाँ कुछ लोग रुके हुए हैं, हमें लगा है कुछ देख रहे हैं वो, तो हम भी गाड़ी बैक करके उधर पीछे लेके जा रहे हैं, शायद कुछ दिख जाए कोई जानवर। वाटर बॉडी है ना यहाँ पर, तो जानवर आते रहते हैं इस वाटर बॉडी पर। छाँव में ले लेना भैया, हम भी दो मिनट वेट करते हैं ना, क्या पता। भैया कोई देखा आ गया? अच्छा कब से? कब से? ओहो
गाइस यहाँ लग चुकी है भीड़ टाइगर को देखने के लिए। अंकल काफी जोश में टाइगर को देखने के लिए अपने बड़े बड़े कैमरे ले रखे हैं, बट टाइगर है कि दिख नहीं रहा, पीछे छुपा हुआ बैठा हुआ है टाइगर। हाँ थोड़ा सा दिखा था, अंकल के पास है कैमरा तंगड़ा वाला। ये कहाँ ढूंढू हुई है, देखो सामने वो स्लैंटेड जो नीचे है ना, नीचे उतरते हैं वो ऐसे। अब यार इनको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अंकल फोकस करते हुए दिख जाएगा टाइगर, बट इनको कैमरे में दिख सकता है। पूछ रही है उसने, आप एक बार अपने कैमरे में चेक कर रहा, दिख रहा है क्या? गाइस फाइनली एलिफेंट दिख गया हमें, ब्यूटीफुल। ये डंक कर रहा है, पोटी कर रहा है एलिफेंट। स्वर्ग में पहुंचा देगा सही में, अगर कान स्टिल स्टैंड करेगा तो समझ जाओ खतरा है फिर। बहुत मेहनत करने के बाद दिखा ये एलिफेंट। ये वापस जा रहा है जंगल में। भैया इधर ही आ रहा है। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बस पीछे करो, सुनो बैक नहीं भगा पाओगे आप, इधर मुंह कर लो इसका। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एकदम भाग के आ गया मैं तो, खून की जिप्सी में चढ़ जाऊँगा, तुम्हें देख लेना अपना अपना। गाइस ये होते हैं हेल्थी हाथी, वरना पालतू तो बहुत पतले पतले होते हैं यार। भाई के पास हैं बड़े बड़े कैमरा कैप्चर करने के लिए। हमारे पीछे लग चुकी है भीड़। गाइस हम जा रहे हैं एलिफेंट के क्लोज, चलो भैया चलो। अब पास से देखेंगे हम एलिफेंट को एकदम करीब से। गाइस देख सकते हो एकदम करीब से जंगली एलिफेंट। तो गाइस शिवानी ने देख लिए लेपर्ड, कैसा लगा हाथी और लेपर्ड देख के? बहुत अच्छा लगा, बट मुझे वो और नज़दीक और पास से देखना था, बस यही फ़र्क है। अभी हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या पता हमें हम लकी हो और हमें दिख जाए माता रानी की कृपा से। वी आर जस्ट वेटिंग। तो हम अभी और एक्सप्लोर कर रहे हैं जंगल में। Yes. तो गाइस हम जा रहे हैं अब कैंटीन कुछ खाने के लिए। जयकाल दिख गया, जयकाल। तो गाइस ये है कैंटीन, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। गाइस फेस पाउडर हम लगा, हमने टाइगर के बच्चे तो देख लिए थे बट वो कैमरे में नहीं आए, बाकी एलिफेंट एंड डियर वगैरह सब दिख गए। गाइस जयकाल घूम रहा है, गोल्डन जयकाल। ये क्या अटैक करने अपनी गलती से टाइगर मिस कर दिया। कैसे फट रहे हैं उसे, देखो बैनॉक्स आंखों से निकल। अच्छा वो पेड़ से सारे ही। हमें लेपर्ड दिख चुका है गाइस, लेपर्ड 2.5 साल में 3 बारी दिखा है बस, उसके ऊपर ही बैठा है ऐसे आराम से। अंकल ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है टाइगर,
अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। गाड़ी पीछे कर। गाइस डियर स्पॉट हो रहे हैं जाते जाते, टाइगर नहीं है। तो गाइस हम निकलते हैं अब जंगल से बाहर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।